हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, एक क्रामटन का मोटर है, 2 HP में है और 1.5 किलो वाट में। तो इसका हम आपको फुल बाइंडिंग डाटा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आप इस डाटे को नोट कर लीजिए। इसी बाइंडिंग डाटा से आप इसे रिवाइंड कर सकते हैं। ये दोस्तों 2870 RPM में है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये हमारा क्रॉम्पटन का 2 HP का मोटर है। इसका हम आपको स्टम्पिंग और स्ट्रिप लाइट आपको बता देते हैं, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से आप इसको बाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका स्टम्पिंग हम नाप लेते हैं इस तरह से कुछ। तो दोस्तों, इसका स्टम्पिंग जो है ये 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी गुलाई की बात करें तो ये गुलाई हमारी 6.5, ये गुलाई हमारी 6.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इसका हो गया। अब इसका बाइंडिंग डाटा आपको कॉपी में नोट कर देते हैं, उसी तरह से आप इसको नोट कर लीजिए और उसी डाटा से आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, उसका डाटा हम आपको नोट कर देते हैं और उसी डाटा से आप इसे रिवाइंड कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से एक कापी ले लेना है, कोई डायरी ले लेना। मेरे पास तो सादा पेज का कापी है, इस पर हम नोट करके आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम नोट करते हैं उसी तरह से आप नोट कर लीजिए। क्रॉम्पटन 2 HP और 1.5 किलो वाट। सो दोस्तों, इसमें हम आपको जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से आप नोट कर लीजिए। और इसमें कंडेंसर की बात करें दोस्तों, तो कंडेंसर इसमें 40 UFD का लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इस पर भी लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, 40 UFD का कंडेंसर लगा हुआ है। ये देखिए 40 UFD 440 वोल्ट। तो ये कंडेंसर हो गया। इसी तरह से हम आपको नोट करके कॉपी में इसका डाटा बता देते हैं। तो कैपेसिटर इसमें कंडेंसर 40 का लगा है, 40 mA। तो दोस्तों, रनिंग में आपको रखना है, रनिंग 6, 8, 10, 11। इसका कॉइल पिच होगा दोस्तों 1 से 12, 1 से 10 और 1 से 8 और 1 से 6। इसका कॉइल पिच हो गया रनिंग का। तो दोस्तों, रनिंग का आपको रखना है 22 नंबर 22 डबल और 23 नंबर। तो इस तरह से इसका वायर रखना है, 22 प्लस 22 प्लस 23। ये तीन का आपका तीनों का कॉल बनेगा, तीनों वायर को आपको एक में जोड़ के कॉल बनेगा। तो इसमें आपको रखना है, इसमें 60 पिन रखना है। दोस्तों, इसमें आपको 60 पिन रखना है और इसमें भी आपको 60 पिन रखना है और इसमें आपको 78 पिन रखना है और इसमें भी आपको 78 पिन रखना है, इस तरह से। तो दोस्तों, इसको आपको तीनों का क्वायर बनाना है, तीनों का 60 नहीं रखना है, टोटल 60 हो जाएगा। तो इसमें आपको 20, यानी तीन वायर से आप क्वायर को बनाते हैं तो 20 रखना है, 20 प्लस 20 प्लस 20 20 20 20।
तो इस तरह से आपका बराबर 60 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी 60 रखना है, 20 का आपका क्वाल बनाना है, 20 में 60 हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी 60 हो जाएगा, और इसमें आपको 78 वाले में इसी तरह से 26 रखना है, 26 प्लस 26 प्लस 26, इसमें आपका टोटल 78 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी 78 हो जाएगा, तो इसमें आपको 20 टन रखना है, तीन वायर से 60 हो जाएगा, इसमें आपको 26 टन रखना है। तो इस तरह से रनिंग हो गया। अब आपको स्टार्टिंग बता देते हैं, तो ये तो रनिंग का हो गया, अब आपको स्टार्टिंग बता देते हैं। तो स्टार्टिंग हमारा रहेगा 24 और 25 नंबर से, कॉपर वायर रहेगा दोस्तों 24 नंबर प्लस 25 नंबर, ये आपका कॉपर वायर रहेगा 24 25, और ये भी कॉपर वायर आपका रहेगा 20 नंबर, सॉरी दोस्तों 22 नंबर, 22 और 23, तो ये 24 और 25। जिस तरह से आपको कॉपी में नोट कर देते हैं इसी तरह से आप नोट कर लीजिए, और इसी तरह से इसका वाइंडिंग कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इसका कॉइल 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, इस तरह से इसका भी कॉइल पिच हो गया। अब इसमें आपको रखना है 24 टन, बारह टन आपको रखना है, 24 हो जाएगा, 24 इसमें रखना हो 24 इसमें भी, और इसमें और इसमें आपको रखना है 100 टन, 50 का क्वाल आपका 50 प्लस 50, डबल वायर रहेगा दोस्तों ना, इसमें आपका 100 हो जाएगा और 100 इसमें। तो इस तरह से इसका फुल बाइंडिंग डाटा हो गया। देखिए दोस्तों 22 और 23 नंबर से तीन वायर से आपका कॉल बनेगा, तो 20 रखना है, 20 टन, 20 में 60 हो जाएगा, इसमें 26 या 78 हो जाएगा इस तरह से। और स्टार्टिंग का ऐसे 24 और 25 नंबर से कॉपर वायर रहेगा, तो इसमें आपको 12 प्लस 12 यानी 24 इसमें हो जाएगा, और 24 इसमें 50 और 50, इसमें आपका 100 हो जाएगा और 100 इसमें रहेगा। तो इस तरह से इसका फुल बाइंडिंग डाटा होगा दोस्तों। तो इसका फुल बाइंडिंग डाटा हो गया। अब इस बाइंडिंग डाटा से आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में लिखिए, और हम आपको उसका सलूशन बता देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।